नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। बात करेंगे बिहार में और बिहार एनडीए की, क्योंकि बिहार एनडीए में अब जो स्थिति है वो सही नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार अब जो सहयोगी दल है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जहां पहले चिराग पासवान सीधे तौर पर अपनी सरकार के फैसलों के खिलाफ नजर आ रहे थे, तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में जो नतीजे रहे हैं वो नतीजे दोबारा से ना झेलने पड़े, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को एक बार फिर से करेक्शन करने की जरूरत है और सीट बंटवारे को लेकर अब यहां पर दोबारा से सोच विचार करने की जरूरत है। ऐसे में लगातार न केवल उपेंद्र कुशवाहा बल्कि जीतनराम मांझी भी ये कह चुके थे कि जब विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे 2025 में, तो उनको भी यहां पर लगभग 25 सीटें चाहिए। तो ऐसे में अपने ही जो सहयोगी दल है वो मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो आखिरकार जो एनडीए के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार कितने समय तक चलेगी? विपक्षी नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो सरकार है केवल 6 महीने 1 साल तक की है, उसके बाद ये सरकार भंग हो जाएगी। और जिस तरीके से लगातार खुद के ही सहयोगी दल मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो नतीजे भी यही लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बार बार उनको लेकर कयासों के बाजार में ये सवाल उठ जाता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अब बार बार यही सवाल उठ रहा है, तो ऐसे में स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार जो विपक्षी पार्टी है जो दावा ठोक रही है, आखिरकार किन मुद्दों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव की आप एक बाइट सुनिए, जिसमें संवाद यात्रा करते हुए समस्तीपुर में एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, और बिहार में नीतीश सरकार में लोग बिजली के बिल से परेशान है, लगातार जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा, अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो है काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में, लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लागू करेंगे। तेजस्वी यादव अपनी सरकार को लेकर अब यहाँ पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में बदलाव होगा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। क्या लगता है मनीष, जिस प्रकार से अब बिहार की स्थिति बन रही है, बिहार में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, आने वाले जो 2025 में विधानसभा चुनाव है, कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि यहाँ पर फेरबदल करने की जरूरत है और दोबारा से यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर पिछले चुनावी रणनीति आप लेकर चलते हैं तो बेशक यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को। और देखा जाए तो चिराग पासवान की अगर बात कर ले, वो सीएम पद के दावेदार के तौर
तौर पर खुद को देखते हैं। यहाँ पर सम्राट चौधरी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि वो भी सीएम पद के दावेदार बने। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति जो है वो नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है। तस्वीर बार जिस तरह से नीतीश कुमार के सीएम बनने की यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार पूरी जोरों शोरों से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, बिहार में बढ़ते अपराध हो, ये तमाम चीजें जो थी वो पिछले दिनों या यूं कहें कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर नीतीश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए सरकार में अगर कोई सबसे ज्यादा गिर रहा है तो वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सीएम पद जो है कहीं ना कहीं खतरे में है और ऐसे में जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने से पहले फूट पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर ये फूट इस तरह से बरकरार रहती है तो विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, आरजेडी इसका फायदा उठा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर आरजेडी की तरफ से काफी बयानबाजी की जाती है। तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, तमाम यहाँ पर बयान देते हुए नजर आते हैं और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो मामले जो जिनका भी मैंने जिक्र किया, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, अपराध के मामलों को लेकर, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लगातार नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को घेरना यह दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर एनडीए में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात होती है या फूट पड़ती हुई नजर आती है तो बेशक यहाँ पर आरजेडी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करते हुए अपनी सरकार बनाने के सपने देखती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा होता तो वाकई एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका लगता है देखा जा सकता है। मनीष, अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की एक मुलाकात हुई थी और उनकी मीटिंग हुई थी, लगभग 30 मिनट की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। वहीं नीतीश कुमार इन सभी कयासबाजियों को खारिज करते हुए ये कह देते हैं कि थर्ड टाइम वो गलती नहीं करेंगे, वो एनडीए के साथ हमेशा से रहे हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो इसी पर यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है वो ये कहते नजर आते हैं कि आप एनडीए में है तो ये बात आपको बताने की क्या जरूरत है। सीधे तौर पर वो उन पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब आप महागठबंधन में थे तब भी आप ये कहते थे कि आप महागठबंधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने काम जो किए वो उसके बिल्कुल विपरीत थे, यानी कि आप एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब आप एनडीए गठबंधन में रहते हुए अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या फिर से वही हालात पैदा होंगे और क्या आप मुंह से कुछ और बोलेंगे और करेंगे आप कुछ और? तो ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार अपनी नाराजगी दिखाते हुए एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, महागठबंधन जाके शामिल हो सकते हैं। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ेंगे और महागठबंधन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल शालिनी, नीतीश कुमार को पहले भी कई बार यहाँ पर पलटी मारते हुए देखा गया है, चाहे वो कितना भी यहाँ पर पक्ष में एनडीए के बोलते हुए नजर आ रहे हो, तो बेशक यहाँ पर अगर सरकार बनाने की जब बात आती है तो नीतीश कुमार अपना फायदा पहले देखते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लंबे अरसे से ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हमने देखा है कि बिहार में नीतीश कुमार हर पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जहाँ फायदा दिखता है वहाँ चले जाते हैं, इसलिए उनको पलटू चाचा, पलटू राम तमाम यहाँ पर नाम दिए जाते हैं और ऐसे में तमाम यहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाता है इस बात को लेकर। लेकिन देखा जाए तो एनडीए के सहयोग में अभी फिलहाल तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन के दल मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए तो बेशक यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं और दूसरे दल का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रुख कर सकते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की सरकार भी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कई अवसर ऐसे रहे हैं जहाँ पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच आपस में बनती नहीं है, लेकिन जब बिहार का चुनाव की बात होती है तो बिहार के चुनाव में जनाधार को खींचने के लिए, लोगों को साधने के लिए, जनता को साधने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी एक साथ आती हुई नजर आती है और हमेशा नीतीश कुमार ही सीएम बनते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये समीकरण बैठते हुए दिखाई दे, नीतीश कुमार एनडीए से बगावत करके आरजेडी की तरफ झुकते हुए नजर आए और ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार सीएम तो बनेंगे लेकिन एनडीए गठबंधन के माध्यम से नहीं, अब की बार यहां पर आरजेडी के साथ गठबंधन करके बन सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं और साथ ही एनडीए के साथ जुड़े हुए जो सहयोगी दल है वो किस हद तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है सहयोगियों के साथ मिलकर वो सरकार चलेगी भी या भंग हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की उम्मीद अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रही है। उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और ये जो सरकार है ये गिर जाएगी। ऐसे में जिस प्रकार से 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, सहयोगी दल आखिरकार सीटों को लेकर क्या एक दूसरे पर भड़कते हुए नजर आएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।